चीजें ऐसी हैं जिनके लिए पेशेंट आपके पास में डायरेक्टली आके बोलता नहीं है, लेकिन हमको पता है। अब यदि कोई व्यक्ति का मेद रोग है, खाली उसको वेट ही प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एक और प्रॉब्लम है पसीना, और पसीने में दुर्गंध। अब उसको बार बार तो पसीना आता रहता है, वो रुमाल से पोंछता रहता है, अब तो टिश्यू पेपर कल्चर है, और बड़ी गंध होती है। अब परफ्यूम कितना भी लगा ले, परफ्यूम तो परफ्यूम है, परफ्यूम जब पसीने से मिल जाता है तो वो एक नया दुर्गंध परफ्यूम बनता है जो भयंकर है। तो आपको बताना पड़ेगा अपने आप भी कुछ चीजें हेल्प करने के लिए। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो पता पड़ जाएगा आपको। चलो देखो, योग रत्नाकर कह रहे हैं, बिल्व पत्र रसोवापी गात्र दुर्गंध्य नाशनः। बेल के जो पत्ते का जो रस है, करीब करीब खूब मिलता है बेल पत्र, शंकर जी के ऊपर चढ़ाते ना शिवलिंग के ऊपर, तो ये बेल के पत्र ले लीजिए, इसको आप मिक्सी में थोड़ा पानी डाल के इसका जूस बना दीजिए, और इसको नहाने के टाइम पर इसकी पूरी बॉडी में, यहां पर जब आप पंचकर्मा देते हैं तो ये आप लेप लगवाइए, घर में भी वो कर सकता है। तो इससे क्या है कि दुर्गंध नाश हो जाता है, जितनी भी जो पोर्स में जो गंदगी है वो सब ये खींच लेता है बाहर। तो बिल्व पत्र का आप लेप कराइए और देखिए कितना अच्छा होता है।